अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में 15 सितंबर को भारत और दक्षिण अफ्रीका टीम के बीच खेले जाने वाले T20 मुकाबले के लिए भारतीय टीम आज अपने पूरे दलबल के साथ स्पेशल चार्टर फ्लाइट से कांगड़ा एयरपोर्ट पहुंचे, जहां HPCA की ओर से टीम इंडिया का भव्य स्वागत किया गया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में 15 सितंबर को भारत और दक्षिणी अफ्रीका टीम के बीच खेले जाने वाले T20 मुकाबले के लिए भारतीय टीम आज अपने पूरे दल बल के साथ में कोहली ब्रेक पूरी तरह से ऊर्जावान नजर आई। इससे पहले 9 सितंबर को साउथ अफ्रीका की टीम धर्मशाला पहुंच चुकी है और बीते 4 दिनों में HPCA स्टेडियम में मुकाबले को अपने पक्ष में करने के लिए खूब पसीना भी बहा रही है। हालांकि बीच बीच में टीम के खिलाड़ियों द्वारा धर्मशाला की कई जगहों की आउटिंग भी की गई है। फिलहाल दोनों ही टीमें धर्मशाला के मशहूर होटल पवेलियन में ठहरी हुई हैं। इन दोनों टीमों की सुरक्षा में कांगड़ा पुलिस की ओर से कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। हवाई अड्डे से भी टीम इंडिया को भारी सुरक्षा के बीच होटल द पवेलियन में पहुंच चुकी है। जब टीम इंडिया कांगड़ा एयरपोर्ट पर पहुंची तो उस वक्त अपने चहेतों के एक झलक पाने के लिए टीम के फैन का भारी हजूम एयरपोर्ट पर जमा रहा। खिलाड़ियों ने भी अपने चाहने वालों को निराश नहीं किया और उन्हें ऑटोग्राफ देकर उनका मान बढ़ाया। वहीं टीम इंडिया जहां आज पहुंचने के बाद द पवेलियन होटल में आराम फरमाएगी, जबकि कल दोपहर बाद 2 से 5 बजे तक मैदान में पसीना बहाएगी, जहां HPCA पदाधिकारियों ने टीम का भव्य स्वागत किया। इसके बाद टीम को सीधे धर्मशाला ले जाया गया। वहीं टीम इंडिया के हेड कोच रवि शास्त्री और कप्तान विराट कोहली शनिवार को मीडिया से बातचीत करेंगे। उल्लेखनीय है कि दक्षिणी अफ्रीका की टीम पहले से ही धर्मशाला में मौजूद है। सुरक्षा के हिसाब से स्टेडियम और शहर को 6 सेक्टरों में बांट दिया है। सेक्टरों को स्टेडियम का भीतर परिसर, बाहरी परिसर, स्टेडियम से 2 पवेलियन, ट्रैफिक बुल नाका आदि शामिल है। भारतीय टीम जो है वो आज यहाँ पे पहुँच चुकी है। साउथ अफ्रीका की टीम पहले से ही शहर के अंदर है और पिछले 4 दिन से प्रैक्टिस कर रही है। शाम 7 बजे रविवार को होने वाले मुकाबले के लिए हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन पूरी तरह से तैयार है और दर्शकों में इस मैच को लेकर के भारी उत्साह पाया जा रहा है।